कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जीएनएम और एएनएम के 9000 पदों की भर्तियां निकाली है। सीएमएचओ डॉ. बलवंत मंडा ने बताया कि जो लोग पहले से संविदा पर कार्यरत है वे परेशान न हो, इसके लिए वही लोग आवेदन करें जो कहीं भी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा विभाग में 9000 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने जिस तरीके से लंबे समय से जो भर्तियां अटकी हुई थी उसके अंदर जीएनएम सेकंड और एएनएम की जो भर्ती है उसकी लिस्ट जरूर जारी की है अभी, और उसके अंदर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो नवनियुक्त अभ्यर्थी है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, सरकार में किसी भी तरीके से किसी भी जगह काम नहीं कर रहा है, वो आकर अपनी नियुक्ति दे सकता है। और जो सरकार में किसी भी पद पर, संविदा पर या पीपीपी मोड पर या 108 में या अन्य किसी जगह यदि अभी काम कर रहा है तो वो उसे न तो कहीं कार्य ग्रहण करना है, न ही कहीं से रिलीव होना है। वो अपना जहाँ पर पदस्थापित अभी है वो वहीं पर अभी कार्य करता रहे, क्योंकि ये भर्तियां जो लिस्ट जारी की गई है कोविड-19 की आपातकालीन परिस्थिति को देखते हुए ये चीज़ जारी की गई है, तो इसमें किसी तरह का लेकर संशय की स्थिति नहीं बने। और ये कोविड की परिस्थितियां खत्म होने के बाद में इसमें मेरिट लिस्ट के अंदर जो भी है वो फिर से फेरबदल होगा और जो भी सीनियरिटी जूनियरिटी है वो बाद की लिस्ट से तय होगी, तो इसको लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं बने और अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें।